नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ एस्थर कुमारी। बारसोई प्रखंड से तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन से बारसोई जंक्शन में उतरे। पार्टी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों ने सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी का गर्मजोशी से स्वागत किया तथा जमकर नारे लगाए। सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने कहा कि कोरोना का लहर अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम सभी को सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने कहा कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र बचाव रास्ता है। साइंस कहता है कि कोविड-19 का चेन तोड़ने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन हम सभी को मिलकर करना होगा, तभी इसमें सफलता मिल सकती है। 18 वर्ष के ऊपर के लोग बड़े उत्साह से वैक्सीन का टीका लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वैक्सीनेशन का कार्य काफी तेजी से चल रही है। पूरे बिहार में एक माह में 1 करोड़ लोगों का वैक्सीन का टीका लगाने का लक्ष्य है तथा 6 महीने में पूरे बिहार में लोगों को सावधान और सचेत रहना है और कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करना है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि सारे साइंटिस्ट और वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जब कोरोना वैक्सीन हम लोग सब लोगों को लगा देंगे तो कोरोना से निजात मिलेगा और कोरोना का जो तीसरा लहर या फिर कोरोना आगे नहीं आएगा। तो अभी सब लोगों से मेरा आग्रह होगा कि बिहार में हर महीने जो है 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का, 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का किया है, 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को। और ये देखा जा रहा है कि बिहार के लोग खास करके 18+ बड़ा उत्साह के साथ वैक्सीन लगा रहा है। तो सब लोगों से मेरा अपील होगा कि प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वैक्सीन सब लोग लें जो नहीं लिए, और वैक्सीन लेने से ही हम लोग सुरक्षित रहेंगे। यही मेरा सब लोगों से। दुलाल चंद्र गोस्वामी जिंदाबाद। विकलांग का रेल अब तक नहीं बना है आपका, इसमें क्या कहना है? कौन चीज विकलांग का? अब तक फुट ओवर ब्रिज में वो सब चीज बनेगा, एक एक चीज बनेगा। अभी कोरोना काल था, सब काम बंद था, बनेगा। बाढ़ को लेकर क्या दिशा निर्देश है? बाढ़ के लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है और अभी तो बाढ़ है नहीं, लेकिन सरकार की तैयारी पूरी है। Watching our voice news for daily news updates and do follow, like and share this video. Thank you.